नमस्कार, मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन हिंद न्यूज। आइए देखते हैं आज की हेडलाइन। सचिन पायलट और कांग्रेस का राजस्थान चुनाव में सफाया तय, का सिंधी समाज ने मदारगेट और टोंक के अंदर सिंधी समाज ने चलाया सचिन पायलट का पुतला। सिंधी समाज के प्रतिनिधि का टिकट काटने से समाज में भारी रोष। महेंद्र सिंह रलावत ने पहले छुए देवनानी के पैर, फिर भरा नामांकन। कांग्रेस पार्टी को टिकट देने पर किया आभार प्रकट, का इस चुनाव में दिलाऊंगा जीत। चौहान समर्थकों ने लगाए पारस पंच मुर्दाबाद के नारे, पंच समर्थकों में खुशी तो चौहान समर्थकों ने जताया आक्रोश। पूर्व मंत्री ललित भाटी ने भरा नामांकन, एक पार्टी के उम्मीदवार बनकर और दूसरा निर्दलीय, कहा हाईकमान फिर करेगी विधानसभा की कई सीटों पर फैसला। मंत्री अनीता भदेल ने भरा नामांकन, हजारों कार्यकर्ता दिखे साथ में, विकास के मुद्दों पर लड़ेगी चुनाव। मोदी लहर फिर जिताएगी चुनाव, का मंत्री देवनानी ने। मंत्री देवनानी ने भरा नामांकन, का जनता फिर जिताएगी भाजपा को, हजारों की संख्या में दिखे कार्यकर्ता। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रियाज अहमद मंसूरी ने भरा नामांकन, का भाजपा और कांग्रेस का करूंगा सुपड़ा साफ। किस विकास के मुद्दों पर भाजपा लड़ने जा रही है चुनाव, का मदारगेट के व्यापारियों ने। मदारगेट पर टूटे नाले के चलते आए दिन हो रही है दुर्घटना, इसी वजह से रहता है ट्रैफिक जाम। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonhind.com। सच के साथ।